हेलो स्टार्ट करेंगे 8086 का मेमोरी इंटरफेसिंग ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला सॉल्व कर रहे हैं अभी तो अपना क्वेश्चन है ये वाला डिजाइन 8086 मेमोरी इंटरफेसिंग और यहाँ पे दो कंडीशन गिवन है मेमोरी के सबसे फर्स्ट कंडीशन है रोम वाली कंडीशन है कि थर्टी टू के बी रॉम यूजिंग सिक्सटीन के बी डिसेस इसका मतलब अपने को थर्टी टू के बी का रोम बनाना है और उसके लिए सिक्सटीन के बी के डिवाइसेस यूज करने हैं और फिर है सिक्सटी फोर के बी का रैम बनाना है और उसके लिए यूज करना है थर्टी टू के बी के डिवाइसेस अभी ये मेमोरी है मेमोरी में रैम और रोम दो ही मेमोरी होते हैं अभी यहाँ पे तो अपने को रैम और रोम के लिए डिवाइस बनाना है तो अपने को जो यूज़ करना है रैम के लिए सिक्सटी फोर के बी का रैम बनाना है और इसके लिए अपने को थर्टी टू के बी के डिवाइसेस थर्टी टू के बी के रैम यूज करना है तो सबसे फर्स्ट मेमोरी में बेसिक समझते अभी यह है अपना मेमोरी ब्लॉक इसमें रैम और रोम है तो हम लोग कंसिडर करते हैं तो ऊपर वाला जो है वो रैम वाली मेमोरी है रैम मेमोरी मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम वाली मेमोरी नीचे है और अभी ये बेसिक्स है और ये हर एक क्वेश्चन के लिए कॉमन रहेगा ये वाला जो ये वाला जो स्टेप है वो हर एक क्वेश्चन के लिए सेम ही रहेगा रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी रॉम होती है रीड ओनली मेमोरी। अभी इसमें स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस हमेशा हर एक क्वेश्चन में सेम रहेगा रैम और रोम के लिए तो रैम का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो हर एक क्वेश्चन के लिए रहेगा फाइव टाइम्स जीरो 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 और एच फाइव टाइम्स जीरो रहेगा फाइव टाइम्स जीरो और ये एच रहेगा एच मतलब हेक्साडेसिमल तो ये जो स्टार्टिंग एड्रेस है ये हर एक हर एक सम के लिए सेम रहेगा रैम के लिए 8086 के सम में तो ये है अपना स्टार्टिंग एड्रेस रैम के लिए ये है मेमोरी लोकेशन रैम के लिए फाइव टाइम्स जीरो और एच अब ये फाइव टाइम्स जीरो क्यों आया 8086 में ट्वेंटी एड्रेस लाइंस होती है तो इसीलिए फाइव टाइम्स जीरो आया क्योंकि एक ये जो हेक्साडेसिमल वैल्यूज है और एक जो जीरो होता है एक वैल्यू उस वैल्यूसिमल में लिखने के लिए चार डिजिट के बाइनरी लगते हैं तो इस हिसाब से फाइव इन टू फोर तो ये ट्वेंटी जीरो 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 एच ये राम के लिए हुआ और अभी रोम का अपने को एंडिंग एड्रेस पता होता है जो हमेशा फिक्स होता है रोम का जो एंडिंग एड्रेस होता है वो होता है फाइव टाइम एफ 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 ये वाला एफ़ और ये एच तो ये जो एड्रेस है वो एंडिंग एड्रेस ये हर एक क्वेश्चन में ये सेम रहेगा ये फिक्स रहता है इसके हर एक सम में तो ये स्टार्टिंग एड्रेस रैम के लिए और रोम का एंडिंग एड्रेस और ये एफ़ हेक्साडेसिमल में एफ़ का मतलब होता है फिफ्टीन तो ये सबसे हाईएस्ट लोकेशन है और अभी अपने को क्या पता करना है अपने को न्यूमेरिकल में ये जो सम है इसमें इस रैम का एंडिंग एड्रेस अपने को पता नहीं है इस रैम का एंडिंग एड्रेस पता नहीं है वो फाइंड करना है और इस रोम का स्टार्टिंग एड्रेस पता नहीं है उसको फाइंड करना है और ये जो कंप्लीट होता है ये सेट साइज होता है तो इससे हम लोग अभी एंडिंग एड्रेस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं तो सबसे फर्स्ट इस एंडिंग एड्रेस को फाइंड करने के लिए ये स्टार्टिंग एड्रेस और ये सेट साइज होता है यहाँ से यहाँ तक उसको ऐड करेंगे तो अपने को एंडिंग एड्रेस का फॉर्मूला मिलेगा तो अपने को ऐड करना है स्टार्टिंग एड्रेस प्लस सेट साइज इसको ऐड करेंगे हम लोग स्टार्टिंग एड्रेस प्लस सेट साइज तो अपना जो फॉर्मूला मिलेगा अपने को ये एंडिंग एड्रेस का फॉर्मूला ये वाला फार्मूला मिलेगा अभी इसी इक्वेशन में हम लोग ये जो सेट साइज है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं इस सेट साइज को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो अपने को स्टार्टिंग एड्रेस का फॉर्मूला मिलेगा तो हम लोग अभी यहाँ पे लिख रहे हैं ये जो एंडिंग एड्रेस है वो यहाँ पे लिखेंगे एंडिंग एड्रेस और इस सेट साइज को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा माइनस सेट 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 साइज 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 माइनस तो ये क्या बना Starting address का formula बना स्टार्टिंग एड्रेस का इस set size को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो ये दोनों जो फॉर्मुलज है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है अपने को मेमोरी के फाइंड करने के लिए और जो एड्रेस टेबल अपने को बनाना है उसमें ये फॉर्मुल यूज हो गए तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट रैम से अपने को रैम कितना बनाना है सिक्सटी फोर के बी का रैम बनाना है और थर्टी टू केबी का डिवाइस प्रेजेंट है तो सबसे फर्स्ट सोल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं टोटल रैम रिक्वायर्ड तो यहाँ पे स्टेप नंबर वन है अपना ये स्टेप नंबर वन है टोटल रैम रिक्वायर्ड टोटल रैम रिक्वायर्ड अभी ये अपने को क्वेश्चन से ही पता चलता है टोटल रैम रिक्वायर्ड और क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे सिक्सटी फोर के बी का रैम बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे 64 सिक्सटी फोर के बी उसके बाद अवेलेबल चिप साइज अपने को गिवन है यहाँ पे थर्टी टू के बी का डिवाइस यूज करना है तो अवेलेबल इसको बोलते हैं फिर अवेलेबल चिप साइज अवेलेबल चिप साइज और अपने को यह भी क्वेश्चन में गिवन है थर्टी टू थर्टी टू के बी तो अपने को ऐसे कितने चिप्स लगेंगे थर्टी टू की एक चिप है और टोटल बनाना है सिक्सटी फोर के बी KB के दो चिप्स लगेंगे अपने को इस रैम को बनाने के लिए तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चिप्स ये मेमोरी बनाने के लिए ये रैम वाली मेमोरी बनाने के लिए कितने चिप्स रिक्वायर हो गए ये टोटल रैम टोटल रैम को लिखेंगे सिक्सटी फोर के बी जो है और अवेलेबल चिप साइज अवेलेबल चिप साइज है थर्टी टू के बी तो यहाँ से अपने को पता चलता है अपने को दो दो चिप्स लगेंगे अभी अपने को दो चिप्स लगेंगे इसके बाद इसके बाद अपने को अभी यहाँ की सेट साइज़ फाइंड करनी है सेट साइज अपने को फाइंड करनी है और नंबर ऑफ़ सेट्स फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ़ सेट्स लगेंगे तो यहाँ पे लिखते अभी number of sets. Number of sets. अभी सेट्स का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ सेट्स का फॉर्मूला होता है ये वाला नंबर ऑफ चिप्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चिप्स नंबर ऑफ चिप्स अपॉन अपॉन टोटल बैंक्स नंबर ऑफ बैंक्स होता है अभी 8086 में कितने बैंक्स प्रेजेंट है 8086 में दो बैंक प्रेजेंट है एक इवन बैंक और एक ऑर्ड बैंक तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ सेट्स का वो है अपॉन नंबर ऑफ बैंक्स 8086 में दो बैंक्स प्रेजेंट है इवन बैंक और एक ऑर्ड बैंक तो यहाँ पे नंबर ऑफ चिप्स है दो और नंबर ऑफ बैंक्स एट में है तू. तो टू टू कैंसिल होके okay? तो एक ही सेट बनेगा यहाँ पे तो एक सेट बनेगा और इस सेट का अभी स्टार्टिंग एड्रेस अपने को पता है उस सेट का भी अपने को एंडिंग एड्रेस फाइंड करना है तो इसको कैसे परफॉर्म करते हैं अभी वो देखते हैं तो सबसे फर्स्ट हम भी अभी हम लोग सेट साइज हम लोग फाइंड करेंगे अपने को अभी पता चला सेट प्रेजेंट है एक सेट अपने को बनाना है फिर अभी सेट साइज अपने को ड्रॉ करना है तो ये हम लोग अभी सेट नंबर वन के लिए कर रहे हैं ये एक ही सेट बनाना है तो इसका जो सेट साइज होगा सेट साइज का फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ चिप्स नंबर अवेलेबल साइज चिप साइज ये वाला फॉर्मूला होता है अवेलेबल चिप साइज, चिप साइज नंबर ऑफ चिप्स नहीं होता ये अवेलेबल चिप साइज होता है फॉर्मूला में इसको मल्टीप्लाई करते हैं टू से तो इसका जो आंसर कितना आता है तो यहाँ पे लिखते हैं इसको अवेलेबल चिप साइज अपना थर्टी टू के बी थर्टी टू के बी और इसको मल्टीप्लाई करना है टू से तो इसका आंसर आता है यह सेट साइज अपना अभी इस सिक्सटी फोर के बी का हेक्सा डेसीमल वैल्यू अपने को फाइंड करना है सिक्सटी फोर केबी को अभी हम लोग लिखते कैसे हेक्सा डेसीमल में कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं सबसे फर्स्ट ये जो के रहता है के का मतलब होता है टू रेस टू टेन उसको पहले लिखते हैं यहाँ पे के का मतलब होता है टू रेस टू टेन अभी ये 64 को लिखना है अपने को इस टू वाले टर्म्स में लिखना है तो सिक्सटी फोर लाने के लिए टू से कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो देखते हैं तो यहाँ पे, यहाँ पे करेगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू अभी इस सिक्सटी फोर को अपने को इन टू के टर्म्स में लिखना है तो ये कितना होता है टू इंटू टू फोर फोर इंटू टू एट एट इंटू टू सिक्सटीन सिक्सटी टू से थर्टी टू थर्टी टू टू तो इसका जो आंसर होता है वो सिक्सटी फोर होता है वही अपने को चाहिए और अभी हम लोग ने यहाँ पे कितने टूज लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स टू लिए तो यहाँ पे लिखे गए टू रेस टू सिक्स तो यहाँ पे लिखेंगे गए टू रेस टू सिक्स अभी इसको ऐड होता है ये पावर हमेशा ऐड होती है टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टू रेस टू सिक्सटीन तो ये टू रेस टू सिक्सटीन का मतलब क्या हुआ कि अपने को जो सिक्सटीन एड्रेस लाइन यूज करनी है लेकिन अभी इसका अपने को हेक्सा डेसिमल वाली वैल्यू फाइंड करनी है हेक्सा डेसिमल वैल्यू वाली वैल्यू हम लोग कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं अभी देखते हैं कैलकुलेटर से कैसे फाइंड होती है हेक्सा डेसीमल वाली वैल्यू तो सबसे फर्स्ट अपने को क्या करना है कैलसी लेना है कैलसी में अपने को पुट करना है टू रेस टू सिक्सटीन टू रेज टू सिक्सटीन इसको अपने को पुट करना है कैलसी में टू रेज टू सिक्सटीन कितना होता है वो फाइंड करना है टू रेज टू सिक्सटीन होता है अब ये कैलसी वर्क नहीं कर रहा है. सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स होता है एक सेकेंड टू रेज टू सिक्सटीन होता है कैलसी में सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स फिर अभी इसको क्लियर करना है और वो वाली वैल्यू अपने को याद रखनी है फिर मोड पे जाना है फिर बेस पे क्लिक करना है बेस एन पे क्लिक करना है फिर से करते हैं, फिर से करते हैं स्टार्टिंग से सबसे फर्स्ट अपने को टू रेस टू सिक्सटीन पता है तो टू रेस टू सिक्सटीन ये वैल्यू इक्वल करेंगे, ये वैल्यू अभी अपने को याद रखनी है सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स है फिर क्लियर करना है फिर मोड पे सिलेक्ट करना है फिर बेस पे सिलेक्ट करना है फिर ये आता है डेसिमल वाला फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू करेंगे ये डेसिमल वाली वैल्यू है लेकिन अपने को हेक्सा डेसीमल चाहिए तो यहाँ पे हेक्स पे क्लिक करेंगे तो ये हेक्सा डेसीमल वाली वैल्यू है लेकिन ये अपनी फाइनल वैल्यू नहीं है इसको माइनस करना है वन से वन से माइनस करेंगे तो ये है अपना आंसर हैक्सा डेसीमल वाली वैल्यू है ये ज़ीरो फोर टाइम एफ ये है अपनी वैल्यू तो इसको लिखना है अभी अपने को तो इसको लिखेंगे अभी जीरो फोर टाइम एफ इसको अभी अपने को लिखना है अपने को टू रेस टू सिक्सटीन की वैल्यू मिली अपने को टू रेस टू सिक्सटीन की वैल्यू अपने को कितनी मिली जीरो फोर टाइम एफ और एच ये अपने को कैलसी से मिली तो इसको लिखेंगे यहाँ पे जीरो एफ 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 एच ये अपने को कैल्सी से मिली अभी कैलकुलेटर में हम लोग ने माइनस वन क्यों किया क्योंकि कैल्सी में जीरो से स्टार्ट नहीं होता कैल्सी में वन से स्टार्ट होता है इसीलिए अपने को वो माइनस वन करना इंपॉर्टेंट है तो ये है अपना सिक्सटी फोर के बी का टू रेस टू सिक्सटीन का आंसर अभी ये है अपनी सेट साइज ये है अपनी सेट साइज

इस स्टार्टिंग एड्रेस को सेट साइज के साथ ऐड करेंगे स्टार्टिंग एड्रेस को सेट साइज के साथ ऐड करेंगे तो अपने को एंडिंग एड्रेस मिलेगा तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अभी एंडिंग एड्रेस एंडिंग एड्रेस ई ए इक्वल टू स्टार्टिंग एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस क्या है अपना यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं स्टार्टिंग एड्रेस प्लस सेट साइज स्टार्टिंग एड्रेस प्लस सेट साइज इक्वल टू स्टार्टिंग एड्रेस कितना है फाइव टाइम्स ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव और एच प्लस ये वाली है सेट साइज इसको ऐड करना है जीरो एफ 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 और ये एच ज़ीरो फोर टाइम्स एफ और एच तो इसका जो आंसर कितना आएगा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यही वाला आंसर आएगा क्योंकि इसमें आप लोग सिर्फ ज़ीरो ऐड कर रहे हैं तो एंडिंग एड्रेस एंडिंग एड्रेस ये जो है ये इसका आंसर है जीरो एफ 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 एच ये है अपना एंडिंग एड्रेस तो अभी हम लोग ने इस रैम के लिए फाइंड किया स्टार्टिंग एड्रेस अपने को पता है सेट साइज फाइंड किया और ये वाला एंडिंग एड्रेस हम लोग ने फाइंड किया तो इस एंडिंग एड्रेस जो अपने को मिला है उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अपने को मिला जीरो जीरो एफ 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 एच ये अपने को एंडिंग एड्रेस यहाँ पे मिला अभी इसके बाद अपने को एक टेबल ड्रा करना है इसके बाद अपने को एक टेबल ड्रॉ करना है आ, ये अपना हुआ एंडिंग एड्रेस अभी टेबल ड्रॉ करना है अपने को इवन और ऑर्ड बैंक के लिए इवन बैंक और ऑर्ड बैंक वाला टेबल ड्रा करना है तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे अपने को क्या लिखना है टेबल ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे यहाँ पे टेबल ड्रॉ करते हैं ये वाला है अपना टेबल रैम के लिए अभी हम लोग ये टेबल ड्रॉ कर रहे हैं तो इस रैम में रैम का टेबल और यहां पे अपने को E1 बैंक ये अपना स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस यहाँ पे आएगा यह अपना स्टार्टिंग एड्रेस एंडिंग एड्रेस आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आएगा इवन बैंक ई बी मतलब ईवन बैंक और यहाँ पे आएगा ऑड बैंक अभी इस रैम के लिए ये है अपना टेबल अभी टेबल के अंदर वैल्यूज पुट करके रैम का स्टार्टिंग एड्रेस रैम का स्टार्टिंग एड्रेस है ये वाला जीरो 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 तो वो लिखेगे इसको जीरो 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 ज़ीरो एच अभी इसी रैम का एंडिंग एड्रेस एंडिंग एड्रेस अपने को कितना मिला ये वाला मिला तो इसको यहाँ पे लिखेंगे गे ज़ीरो एफ 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 फोर टाइम्स एफ है एच ये है अपना स्टार्टिंग एड्रेस यह है अपना एंडिंग एड्रेस रैम के लिए अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है तो इसके अंदर ऐड प्लस वन करेंगे इसके अंदर प्लस वन करेंगे तो ये क्या बनेगा जीरो 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 जीरो, जीरो और ये लास्ट में वन बनेगा यहाँ पे जीरो प्लस वन करेंगे तो ये वन बनेगा और ये हेक्सा डेसीमल और इसमें से अभी माइनस वन करना है इसमें से अभी माइनस वन करना है तो यहाँ पे बनेगा जीरो एफ 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 वन टू थ्री फोर और एफ माइनस वन करना है F का मतलब होता है फिफ्टीन माइनस वन करेंगे तो फोर्टीन बनता है और हेक्साडेसिमल को फोर्टीन में E लिखते हैं तो उसको लिखेंगे E H हेक्साडेसिमल वाले जो नंबर होते हैं वो बाइनरी जीरो से नाइन तक होते हैं फिर टेन को हम लोग A लिखते हैं फिर इलेवन को B ट्वेल्व को C फिर थर्टीन को D फोर्टीन को E और फिफ्टीन को F लिखते हैं और फोर्टीन को E लिखते हैं तो ये है अपना टेबल इवन बैंक और ऑड बैंक वाला टेबल ये हम लोग ने फाइंड किया अभी रैम के लिए इसके बाद अपने को इस रॉम के लिए फाइंड करना है तो अभी इसको इरेज करते हैं बस अपने को ये टेबल अभी चाहिए ये टेबल अपने को लगेगा एड्रेस मैप बनाने के लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है फिर अभी रॉम के लिए फाइंड करेंगे और इसको अभी इरेज करते हैं अभी तक हम लोग ने रैम के लिए ये टेबल ड्रॉ किया अभी वैसा ही टेबल रॉम के लिए ड्रॉ करना है रॉम के लिए कंडीशन क्या गिवन है थर्टी टू के बी रॉम यूजिंग सिक्सटीन के बी डिवाइसेस तो अपना टोटल रॉम रिक्वायर्ड कितना है टोटल रीड ओनली मेमोरी टोटल रॉम रिक्वायर्ड ये जो क्वेश्चन में अपने को गिवन है वो है थर्टी टू के बी टोटल रॉम में अपना थर्टी टू के बी तो उसको ये लिखेगी यहाँ पे फिर अवेलेबल चिप साइज यहाँ पे गिवन है यूजिंग के बी ऑफ चिप्स लगेगी, 16KB की तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सिक्सटीन के बी की एक चिप है और टोटल जाना है थर्टी टू तक वैसे फॉर्मूला फॉर्मूला से हम लोग नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे तो दो चिप्स लगती है फॉर्मूला में हम लोग ऐसे लिखते हैं टोटल रॉम रिक्वायर्ड

डिवाइड बाय नंबर ऑफ बैंक में दो बैंक होती है even bank और odd bank, तो इसलिए डिवाइड बाय टू आएगा और इसका जो आंसर होता है वो होगा वन तो नंबर ऑफ सेट्स यहाँ पे भी वन है रैम में भी अपने को एक ही सेट मिला था. ये एक सेट है पूरा और रोम में भी अपने को एक ही सेट मिलने वाला है उसके बाद सेट साइज फाइंड करनी है तो ये वाला अपने पास एंडिंग एड्रेस अपने पास ऑलरेडी है ये वाली सेट साइज अपने को फाइंड करनी है फिर उसके बाद अपने को स्टार्टिंग एड्रेस फाइंड करना है तो सेट साइज का फॉर्मूला होता है चिप चिप साइज साइज अभी chip size कितनी है यहाँ पे चिप साइज ये है अपनी अवेलेबल चिप साइज है के तो यहाँ पे लिखे गए चिप साइज इंटू टू तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग चिप साइज है अपनी सिक्सटीन के बी की सिक्सटीन के बी इंटू टू तो अभी ये सिक्सटीन इंटू टू कितना होता है थर्टी टू के बी थर्टी टू के बी अभी इसको अपने को हेक्साडेसिमल में लिखना है तो ये जो के है के के लिए हम लोग लिखते हैं टू रेस टू टेन ये फिक्स होता है हमेशा टू रेस टू टेन और मल्टीप्लाइड बाय अभी इस थर्टी टू को लिखना है इस टू वाले टर्म्स में तो यहाँ पे हम लोग ने किया था तो ये टू वन जा टू 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 ज फोर टू टू इंटू टू फोर फोर इंटू टू फोर इंटू टू एट एट टू जिक्सटीन सिक्सटीन टू जटी टू तो यहां तक थर्टी टू होता है तो ये अपने को नहीं चाहिए तो टोटल कितने टूज आएंगे वन टू थ्री फोर फाइव थर्टी टू के लिए फाइव टूज आता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे टू रेज टू फाइव टू रेस टू फाइव अभी इसका एडिशन करेंगे टेन प्लस फाइव कितना होता है ये टेन प्लस फाइव होता है टू रेस टू फिफ्टीन टू रेस टू फिफ्टीन अभी इसका अपने को हेक्साडेसिमल वाली वैल्यू लिखनी है हेक्साडेसिमल वाली वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे हेक्साडेसिमल वाली वैल्यू हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो अभी हम लोग कैलसी लेते हैं फिर कैलसी से कैलकुलेट करते हैं हेक्साडेसिमल वाली वैल्यू तो सबसे फर्स्ट ये अपनी कैलसी अभी यहाँ पे यहाँ पे कैलसी में वन में आते है अभी अपने को टू रेश टू फिफ्टीन अपने को गिवन है अभी हम लोग ने फाइंड किया टू रेस टू फिफ्टीन का ये कितना होता है डेसिमल में कितना वैल्यू होती है वो फाइंड करना है टू रेस टू फिफ्टीन होता है थ्री टू सेवन सिक्स सेट थ्री टू सेवन सिक्स सेट ये अपने को याद रखना है फिर अपने को मोड सिलेक्ट करना है फिर बेस में जाके ये बेस एन वाला जो है उस पर क्लिक करना है बेस एन पे फिर फोर पे आने के बाद अप लोग ने वैल्यू क्या याद रखा था थ्री टू सेवन सिक्स एट फिर इसको डेसिमल में इक्वल टू करेंगे फिर इसके बाद अभी इसको हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे हेक्स पे क्लिक करके और फिर माइनस वन करेंगे तो ये है अपना हेक्सा का आंसर जीरो सेवन ट्रिपल एफ अपने को फाइव डिजिट्स वाला आंसर लिखना होता है तो अपना आंसर है ये एफ ज़ीरो सेवन ट्रिपल एफ ये अपना आंसर है इसको अभी लिखेंगे तो इसको लिखते हो अभी जीरो सेवन ट्रिपल एफ यह है अपना टू रेस टू फिफ्टीन का आंसर यह आंसर अपना को कितना मिला जीरो सेवन ट्रिपल एफ जीरो सेवन ट्रिपल एफ एच यह है अपना हेक्साडेसिमल में आंसर जीरो सेवन ट्रिपल एफ एच और यह है टू रेस टू फिफ्टीन का आंसर ये है अपनी सेट साइज सेट साइज है ये इसके बाद तो यहाँ पे लिखते हैं ये मिली अपने को ये है अपनी सेट साइज तो इसको यहाँ पे लिखते हैं सेट साइज ही है ये सेट साइज इसके बाद अपने को क्या करना है अभी अपने को सेट साइज मिली और अभी अपने को स्टार्टिंग एड्रेस फाइंड करना है अपने पास एंडिंग एड्रेस है अपने को स्टार्टिंग एड्रेस फाइंड करना है उसके लिए फॉर्मूला क्या है अपना स्टार्टिंग एड्रेस के लिए एंडिंग एड्रेस माइनस सेट साइज सेट साइज में लिए अपने को ये वाली तो अभी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंडिंग एड्रेस तो यहाँ तक कितना विजिबल है यहाँ से वो पहले एक बार चेक करते हैं तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अभी अपने को क्या लिखना है स्टार्टिंग एड्रेस फाइंड करना है उसका फॉर्मूला क्या है एंडिंग एड्रेस माइनस सेट साइज तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टिंग एड्रेस इक्वल टू एंडिंग एड्रेस माइनस सेट साइज तो एंडिंग एड्रेस कितना है एंडिंग एड्रेस ऑलरेडी पता है आपने को फाइव टाइम एफ एच तो उसको लिखेंगे एफ 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 एच माइनस सेट साइज सेट साइज ये अब भी अपने को मिली ये वाली अपनी सेट साइज है इसको कर जीरो सेवन एफ 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 एच अभी माइनस करना है अपने को डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हम लोग या फिर हम लोग का भी यूज कर सकते हैं का यूज करेंगे तो आंसर क्या आएगा वो चेक करते हैं नहीं तो ये पूरा f माइनस एफ जीरो होता है ये वाला भी f माइनस एफ जीरो ये वाला भी f माइनस एफ जीरो और ये f माइनस सेवन तो फिफ्टीन माइनस सेवन कितना होता है वो अपने को फाइंड करना है फिफ्टीन माइनस सेवन होता है एट तो हम लोग विदाउट कैल्सी यूज करके भी इसको सॉल्व करते हैं और कैल्सी से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं तो एक बार कैल्सी से सॉल्व करके चेक करते हैं और कैल्सी में कैसे सॉल्व करते हैं वो दिखाता हूँ तो सबसे फर्स्ट अपने को कैल्सी लेनी है फिर ये अभी विजिबल है क्या ये अपना प्रीवियस वाला आंसर तो अपने को कैल्सियम में कौन सी वैल्यूज पुट करनी है अपने को एफ पुट करना है तो मोड में आके बाइनरी में फोर प्रेस करके एफ 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 फाइव टाइम एफ पुट करेंगे माइनस अपने को कितना मिला जीरो सेवन जीरो सेवन और थ्री टाइम एफ है एफ एफ तो ये फाइव डिजिट हुआ तो इक्वल टू करेंगे तो इसका जो आंसर आता है वो एफ एट और तीन जीरो एफ एट तीन जीरो ये है इसका आंसर तो अभी इसका आंसर लिखते हैं एफ एट और थ्री टाइम्स ज़ीरो इसका आंसर अभी लिखते हैं हम लोग यहाँ पे तो स्टार्टिंग एड्रेस जो अपने को मिला है वो है एफ एट और तीन टाइम्स जीरो एफ एट थ्री टाइम जीरो तो ये वाला जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो अपने को यहाँ पे मिला है तो अभी अपने को ये टेबल बनाना है और टेबल में अपने को वैल्यूज ऑलरेडी पता है तो यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे तो ये वाला है अपना टेबल और इसमें अपने को इवन बैंक और ऑट बैंक और रैम और रॉम लिखना है तो सबसे फर्स्ट सबसे फर्स्ट यहाँ पे आएगा स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस ये स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंडिंग एड्रेस और यहाँ पे पार्टीशन करते हैं ये अपना इवन बैंक के लिए और ये अपना ऑर्ड बैंक के लिए और ये जो अभी हम लोग लिख रहे हैं, वो रॉम के लिए टेबल बना रहे है रॉम के लिए अभी इसमें रॉम में अपने को स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो अभी अपने को मिला ये वाला एफ एट ट्रिपल जीरो एच तो उसको लिखते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस एफ एट ट्रिपल जीरो एच और जो एंडिंग एड्रेस है वो अपने को ऑलरेडी पता है यहाँ पे फाइव टाइम्स एफ तो उसको लिखते हैं रॉम के लिए एफ 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 एच अभी ये कैसे लिखना है ये जो है ना इसमें प्लस वन करना है तो इसमें प्लस वन करेंगे तो यहाँ पे जीरो की जगह वन आएगा प्लस वन करना है इस पूरे टर्म में तो एफ एट जीरो जीरो वन और ये यहाँ पे आएगा वन वन टू थ्री फोर फाइव तो इस इस जीरो के बाद जीरो में वन ऐड करेंगे तो जीरो प्लस वन तो ये वन यहाँ पे लिखा और इस एफ में से इस पूरे नंबर में से वन माइनस करना है तो एफ माइनस वन होगा तो ये फिफ्टीन माइनस वन फोर्टीन होता है तो इस एफ की जगह पर आएगा ई e. इस एफ के जगह पे आएगा ई e, और बाकी टर्म सेम रहे F, 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 और यहाँ पे आएगा ई e, और यह हेक्सा डेसीमल इस एफ में से फिफ्टीन माइनस वन किया तो एफ माइनस वन फोर्टीन होता है और फोर्टीन को हेक्सा डेसीमल में ई e लिखता है तो ऐसा बना अपना रैम और रोम का इवन तो टेबल और टेबल तो यही अपना मेमोरी मैपिंग है अभी इसको एड्रेस टेबल में लिखना है तो इसको इरेज करते हैं और ये दोनों टेबल का यूज करके एड्रेस मैपिंग करते हैं एड्रेस मैप बनाते हैं तो अपने को अभी मेमोरी मैप बनाना है अपना मोस्ट ऑफ द कम ऑलरेडी हो चुका है बस इन वैल्यूज़ को इस मेमोरी मैप में फिल करना है तो ये जो टेबल्स है इवन टेबल और ऑट टेबल वो अभी हम लोग ने फाइंड किए फर्स्ट वाला टेबल है रैम के लिए टेबल और सेकेंड वाला टेबल है रोम के लिए टेबल तो फर्स्ट इसका यूज़ करेंगे और इसका मेमोरी मैप प्लॉट करेंगे तो 8086 में 20 एड्रेस लाइंस होती है तो यहाँ पे 20 एड्रेस लाइंस लिया है A0 से लेके A19 तक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ए जीरो से स्टार्ट होता है तो ट्वेंटी का मतलब ए नाइनटीन तक जाता है यहाँ पे ए ट्वेंटी नहीं लिखना है ए जीरो से लेके ए नाइनटी तक यहाँ पे कॉलम्स बनाने हैं फिर लेफ्ट साइड में सबसे फर्स्ट हम लोग इस रैम के लिए कर रहे हैं तो इसलिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे रैम लिखेंगे फिर इवन बैंक ऑड बैंक अभी इवन बैंक में ये है स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस जो अभी हम लोग ने यहाँ पे फाइंड किया है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टिंग एड्रेस लिखा यहाँ पे जीरो 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 एच स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे लिखा फिर इसका एंडिंग एड्रेस लिखा जीरो पे लिखा जीरो e, अभी इसके बाइनरी वैल्यूज यहाँ पे पुट करने हैं अभी ये जो वैल्यूज है वो हेक्साडेसिमल में है अभी बाइनरी में पुट करते तो अभी कैसे होता है वो देखेंगे तो सबसे फर्स्ट सबसे फर्स्ट हम लोग कोई भी वैल्यू को ये जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है हेक्साडेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए एक हेक्साडेसिमल नंबर का मतलब होता है चार बाइनरी डिजिट होता है तो यहाँ पे टोटल फाइव हेक्साडेसिमल है तो फाइव इंटू फोर ट्वेंटी तो इसलिए ये ट्वेंटी एड्रेस लाइंस आया तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जीरो 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 है तो ये फर्स्ट इसमें सारी जीरोस आएंगे जीरो है इसलिए तो यहाँ पे अगर जीरो 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 कंप्लीट टेबल जीरो बनेगा ये वाला स्टार्टिंग एड्रेस इसके लिए तो कंप्लीट जीरो बना उसके बाद एंडिंग एड्रेस है अपना जीरो एफ 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 ई अभी जीरो को बाइनरी में हम लोग कैसे लिखते हैं वो देखते हैं सबसे फर्स्ट बाइनरी में होता है वन टू फोर एट ये बाइनरी वैल्यूज में इसके वेट्स होते हैं तो अपने को अभी यहाँ पे लिखना क्या है एफ लिखना है यहाँ पे सबसे फर्स्ट है जीरो तो जीरो आएगा वो जीरो के लिए ये चार डिजिट है बाइनरी वाले बाइनरी वेट के लिए अगर इसमें अपने को जीरो लिखना है डेसिमल वाला ज़ीरो तो बाइनरी में ज़ीरो लिखने के लिए क्या होता है ये ज़ीरो जीरो जीरो बनेगा पूरा तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट जो है वो है जीरो तो उसके चार वैल्यूज लिख के चार बाइनरी नंबर होता है एक वैल्यू के तो ये बनेगा जीरो 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 उसके बाद है एफ एफ का मतलब क्या होता है एफ का मतलब होता है हेक्साडेसिमल में एफ मतलब 15 होता है डेसिमल में अभी इसमें 15 कैसे होगा 8 प्लस 4 12 12 प्लस 2 14 14 प्लस 1 15 इसका मतलब यहाँ पे सारे वंश आने चाहिए सारे वंश आने चाहिए तो ये एफ बनेगा हेक्साडेसिमल वाला तो एफ बनता है ऐसे सारे वंश मतलब एफ होता है और अभी इसके कैसे कैलकुलेट किया एट प्लस फोर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन के लिए हम लोग ये यूज करते हैं तो F के लिए अपने को चार वन लिखना है तो यहाँ पे F है ये वाला जो F है उसके लिए चार वन लिखना है वन 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 उसके बाद क्या है इस एफ के बाद एक और एफ है उसके लिए भी चार वन लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे लिखेंगे वन 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 उसके बाद एक और एफ है उसके लिए चार वन लिखना पड़ेगा वन 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 और वन ये हुआ ये फर्स्ट वाला जो लिखा हम लोग ने इस जीरो के लिए लिखा फिर इस सिंगल एफ के लिए लिखा फिर सेकंड एफ के लिए लिखा और फिर ये थर्ड एफ के लिए ए जीरो ए वन ए टू ऐसे लिखना है फिर उसके बाद उसके बाद क्या करना है अभी अपने को उसके बाद है ये एफ हुआ अभी इस ई e के लिए लिखना है ई e क्या होता है ई e का मतलब होता है फोर्टीन फोर्टीन के लिए यहाँ पे जीरो आएगा तो ये एट प्लस फोर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन टवेल्व प्लस टू फोर्टीन तो ये बना फोर्टीन तो फोर्टीन ऐसे लिखते हैं जीरो वन 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 अभी इसमें ना अपने को स्टार्ट करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है लास्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे तो ये ई वाले के लिए ये लिखा फिर एफ एफ और लास्ट वाला ये ज़ीरो अभी वैसे ही इसके लिए लिखते हैं ऑर्ड बैंक है अपना ऑर्ड बैंक है जीरो ज़ीरो ज़ीरो वन तो उसके लिए लिखते हैं अभी जीरो 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 वन, एच। अभी बाइनरी में वन का मतलब क्या होता है बाइनरी में मतलब वन का मतलब सिर्फ यही वाला पोजीशन आएगा बाकी सारे जीरो आएंगे जीरो तो फर्स्ट डिजिट जो है अपना यहाँ पे वन है तो इसके लिए आएगा सबसे फर्स्ट यहाँ पे ये वन और बाकी तीन जीरो आएंगे तीन जीरो उसके बाद क्या है सारे जीरो है इसीलिए जीरो जी आएगी तो यहाँ पे लिखिए गए इसको जीरो 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 उसके बाद एंडिंग एड्रेस है ये वाला जीरो फोर टाइम्स एफ और एच तो उसको यहाँ पे लिखते हैं जीरो फोर टाइम्स एफ और एच अभी फोर टाइम्स एफ चार बार एफ़ लिखना है तो उसके लिए लिखेंगे तो ये हुआ सबसे फर्स्ट वाला एफ हुआ चार फिर ये वाला हुआ सेकेंड वाला एफ हुआ वन टू थ्री फोर तो ये वाला फर्स्ट एफ ये वाला सेकेंड एफ़ ये वाला थर्ड एफ और ये वाला फोर्थ एफ ये ऐसे हुआ और लास्ट में है ज़ीरो जीरो 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 अपने को वैल्यूज लिखने के लिए हमेशा राइट right साइड से स्टार्ट करना है ए जीरो से स्टार्ट करना है ए नाइनटीन से स्टार्ट नहीं करना है ऊपर हम लोग ने ए नाइनटीन से स्टार्ट किया था लेकिन हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है ए जीरो से स्टार्ट करना है तो फिर ये ऐसे वैल्यूज एंटर हुए अभी इस रॉम वाले टेबल के लिए अपने को एंटर करना है तो अभी रैम वाले के लिए हम लोग ने मेमोरी मैप बनाया अभी अपने को रॉम वाले के लिए मेमोरी मैप बनाना है तो रॉम के लिए स्टार्टिंग एड्रेस ये हम लोग ईवन बैंक के लिए अभी कर रहे हैं रॉम के लिए बैंक में ट्रिपल जीरो एच है तो उसको लिखेंगे F8 एफ एट ट्रिपल जीरो एच तो ये ऐसा है अभी इसके लिए स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या है जी, जीरो है तो वो आएगा यहाँ पे जीरो 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 जीरो, ये एक जीरो ज़ीरो 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 आएगा यहाँ पे ये सेकंड ज़ीरो और और क्या आएगा यहाँ पे अभी तक हम लोग ने यहाँ पे दो ज़ीरो पुट किए अभी ये वाला थर्ड वाला ज़ीरो पुट करेंगे अभी हम लोग कर रहे हैं ये वाला फर्स्ट ज़ीरो सेकंड ज़ीरो अभी थर्ड वाला जीरो के लिए चार ज़ीरो लिखेंगे ज़ीरो 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 थर्ड वाला ज़ीरो पुट हुआ फिर है एट एट के लिए कैसे लिखते हैं एट के लिए आएगा सिर्फ ये एट के लिए वन और बाकी सारे टर्म जीरो आएंगे जीरो आएंगे फिर यहाँ पे आएगा तीन जीरो और तीन जीरो आएगा और ये वन ये एट के लिए हुआ उसके बाद क्या बचा है एफ एफ के लिए आने चाहिए चार जीरो चार वन आने चाहिए तो ये चौथा वन क्यों नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने लिखते टाइम एक छोटा सा मिस्टेक किया ए जीरो से लेके ए सिक्सटीन लिखना चाहिए यहाँ पे ए फिफ्टीन के बाद ए सिक्सटीन नहीं लिखा है तो यहाँ पे जो है ये ए सिक्सटीन ए सेवेंटीन ए एटीन और यहाँ पे ए नाइनटीन आएगा तो इसको चेंज करते हैं तो ये सिक्सटीन है ए सेवेंटीन है और ये वाला ए एटीन है और यहाँ पे एक आएगा ए नाइनटीन आएगा फिर जो लास्ट वाला वन है ये वाला यहाँ पे लिखते हैं अभी ये वन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी एक जीरो 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 ऐड होगा इसमें फिर उसके बाद एंडिंग एड्रेस रोम का जो एंडिंग एड्रेस है रोम का एंडिंग एड्रेस क्या है ईवन बैंक के लिए यह है एफ 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 ई एच तो उसके लिए अभी अपने को लिखना है ई का मतलब क्या होता है ई का मतलब होता है फोर्टीन फोर्टीन मतलब एट प्लस फोर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस टू और ये जीरो सबसे फर्स्ट यहाँ पे ई तो यहाँ पे आएगा इसके लिए आएगा हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं अभी एफ 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 ई एच तो यहाँ पे लिखते हैं उसको यहाँ पे हम लोग अभी लिख रहे हैं डायरेक्ट एंडिंग एड्रेस ही लिखते हैं अभी यहाँ पे एफ 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 ई एच तो चार तीन एफ और ई e, एच तो फर्स्ट वाला जीरो है तो फर्स्ट वाला है यहाँ पे ये यह जीरो है नीचा हम लोग अभी रॉम के लिए लिखकर है तो ये वाला है एंडिंग एड्रेस चार एफ और ई e. तो उसके लिए अभी लिखेंगे। तो ई e के लिए आता है जीरो वन 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 तो उसको लिखेंगे यहाँ पे जीरो हम लोग ने ई e के लिए लिखा अभी एफ के लिए आएगा चार वन तो उसको लिखेंगे चार वन फिर उसके बाद फिर से एफ है उसके लिए आएगा चार वन चार वन फिर एक ये कर रहे हैं हम लोग सब वन ही आएगा इसमें क्योंकि हम लोग इसमें देख रहे हैं अभी तो ये आएगा वन 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 और यहाँ पर भी एक वन आएगा तो अभी ऑर्ड बैंक के लिए ऑर्ड बैंक के लिए स्टार्टिंग एड्रेस क्या है इसका भी देखना है एफ एट जीरो जीरो वन एच तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है एफ F... फर्स्ट है अपना स्टार्टिंग एड्रेस वन है फर्स्ट वाला वन है तो वन के लिए कैसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे वन के लिए सिर्फ ये वन आएगा बाकी तीनों ज़ीरो तो वन के लिए सिर्फ यहाँ पे ये वन आएगा और बाकी तीन ज़ीरो उसके बाद ज़ीरो है फिर आएगा चार ज़ीरो एक दो तीन चार फिर क्या है फिर से ज़ीरो है फिर और चार ज़ीरो आएगा वन टू थ्री फोर फिर क्या है एट है एट को कैसे लिखते हैं एट को लिखते हैं वन ज़ीरो 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 तो इसको लिखेंगे ज़ीरो 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 और ये वन फिर उसके बाद एट लिखा अभी एफ़ लिखना है एफ़ के लिए चार वन तो ये वन 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 और ये वन और फिर अभी एंडिंग एड्रेस एंडिंग एड्रेस क्या है ये वाला है चार पाँचों एफ है पाँचों एफ का मतलब क्या होता है ये आएगा यहाँ पे वन 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 ये पूरा वन वन आएगा वन तो इस तरह से अपना पूरा मेमोरी मैप कंप्लीट होता है मेमोरी मैप में ये अच्छे से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए तो ये इजी वे में ऐसा सिंपल मेमोरी मैप है ये रैम के लिए ये रोम के लिए इसके बाद अपने को फाइनल डायग्राम निकालना है तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर निकालना होता है अभी इसमें रैम कितने यूज हुए एक रैम यूज हुआ अभी रैम के इवन बैंक और ऑड बैंक है तो रैम का एक सेट यूज हुआ और रोम का भी एक सेट यूज़ हुआ तो उसको इंप्लीमेंट करेंगे अभी